अरे नहीं 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 तो ये अरे कहाँ जा रहा है मेरा एंगल कैमरा का अरे 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 ये क्योंकि नहीं यार। और भाइयों क्या हाल चाल है। तो ब्रो मैं अभी हूँ इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे T3 जैसे कि तुम देख पा रहे हो ये हवाई जहाज कोई पार्किंग लॉट में नहीं खड़ा होता खैर एक सेकंड अनाउंसमेंट खत्म हो चुकी है। और मैं ये बोलना चाहता हूँ कि यार जैसे कि मेरा हमेशा का सीन होता है मैं एयरपोर्ट आने में बहुत ज़्यादा लेट हो जाता हूँ इसलिए मैं कभी भी मतलब लाइक ऐसे चलते फिरते कि भाई मैं कैब पकड़ ली ये वो कभी मैं बना ही नहीं सकता क्योंकि उससे मैं बहुत ही ज़्यादा लेट हो जाऊँगा फ्लाइट ही मेरी मिस हो जाएगी। फाइनली मैं एयरपोर्ट पर हूँ आगे आगे देखते हैं हम कहाँ पहुँचते हैं कहाँ करते हैं और फिर देखते हैं। और गाइज मैं आ चुका हूँ अब स्पेन में। अभी मैं हूँ मैड्रिड की सड़कों पर और ऐसा साउंड कर रहा हूँ जैसे मैं कोई रिपोर्टर हूँ बट ये सच बात है इसलिए मैंने सोचा बताऊं। और भाई स्पेन का वेदर बहुत ही ज़्यादा सही बट थोड़ा सा दिल्ली से रिलेटेड है बट पसीने वसीने नहीं निकल रहे हैं और बाकी सॉर्टेड सीन है। हमने ट्राई करा कि हम कार रेंटल वाला हिसाब किताब कर सके जो हमें पता लगा कि काफ़ी सस्ती है तो बहुत जल्द आप मेरे को बढ़िया सी गाड़ियों में देखने वालों स्पेन की सड़कों पे ओवर एंड आउट। व्हाट्स अप गाइस। तो मैंने मैड्रिड में आ चुका हूँ और मैड्रिड में मैंने एक होटल ले लिया है। एक्चुअली होटल भी नहीं यहाँ पे हॉस्टल्स बहुत सही होते हैं और हॉस्टल्स में मैंने एक यू हॉस्टल करके लिया है। तुम्हारे लिए एक टिप है यार कि जब भी स्पेन में आओ ना स्पेन में तुम्हें हॉस्टल्स बहुत सही मिलेंगे जो कि ज़्यादा चीप होंगे एंड बहुत ही सही इनके एस्थेटिक्स और बहुत सुंदर रूम होंगे। जैसे यार यहाँ पे तुम कलर कोऑर्डिनेशन देखो पर्पल वाइट मतलब खैर चलो मैं फैशन ब्लॉगर हूँ मैं थोड़ा ज़्यादा सोचता हूँ इस चीज़ों में बट बहुत सही है। एंड सेकेंडली यार जो मेरे को बड़ी चीज़ आई चीज़ लगी वो है ये बालकनी ब्रो। और भाइयों क्या हाल चाल है। तो मैं यार अभी ओल्ड टाउन में हूँ स्पेन के और इसकी गलियाँ थोड़ी आसपास के वो जो एम ब्लॉक मार्केट है उसकी तरह लगती है बट यार एस्थेटिक्स काफ़ी सही है और मेरे को अब काफ़ी छोटी छोटी जगह घूमनी है तो मेरी राइड होगी ब्रो ये स्कूटी जो कि तुम्हें लाइम एप्लीकेशन अगर इंस्टॉल करो तब मिल सकती है। थोड़ी छोटी छोटी हैच देने के लिए तो तुम्हारा भाई जिंदा है यार चलो राइड करते हैं। भाई जैसे मैंने बोला था ये बेस्ट है बताओ कैसे ऐसे। तो पीछे एक बार व्यू देखो ये व्यू है जिसमें पूरा स्पेन दिखेगा पूरा मैड्रिड सॉरी। और अब आगे चलो और दिखाता तुम्हें क्या और चीज़ है। सो गाइज इट्स डे टू एंड मैड्रिड एंड मैड्रिड जैसे कि मैंने भाई बताया कि एस्थेटिकली इतना ज़्यादा अमेजिंग है जैसे यार एक स्ट्रीट ही देखो इतनी ही ज़्यादा सही है। सो आगे आगे दिखाता हूँ यार और क्या क्या चीज़ है। सो गाइज इन मिडल ऑफ द सिटी हैविंग रोस्टेड हैम यही यार चीज़ स्पेन में सबसे अच्छी चीज़ ये है कि खाना और यहाँ का आर्किटेक्चर बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग है। और बुरी चीज़ ये है कि लैंग्वेज प्रॉब्लम बहुत है जैसे यही खाना मंगवाने में हमें आधा घंटा लग गया गूगल ट्रांसलेट करते 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 बाकी हमारे करंट भाई मदद से चबा रहे हैं। बाकी यार मैं भी अब शुरू करता हूँ और तुमसे बात करता हूँ। द मोमेंट इज़ ऑलरेडी हेयर एंड मैं इसलिए द मोमेंट बोल रहा हूँ बिकॉज यू नो आई एम अ वेरी बिग बिग फुटबॉल फैन and I am at Santiago Bernabeu home ground of this team Real Madrid and guys this is beautiful guys it's day 3 aur ab hum ja rahe hain Barcelona bus mein baaki aage aage dikhata hu hota hai kya bhai abhi balo pe mat jana but yaar abhi bahut interesting cheez hui to hame khuliya khol to hame एक होटल का एड्रेस मिला जो हमारा होटल था जिसकी हमने पहले से रिजर्वेशन करवाई थी। ऐसा एक छोटा सा डोर और वैसे कुछ नहीं ना होटल का बोर्ड ना कुछ कुछ भी नहीं लग रखा है एक छोटा सा यहाँ पे ये लग रखा है ये वो भी पता नहीं स्पैनिश में लिखा हुआ है पता ही नहीं। भाई साहब पूरा हम रास्ता घुमाए कि भाई क्या सीन है क्या सीन नहीं है यहाँ पर आके हम देख रहे हैं तो हमें पता लग रहा है कि हमारे रिजर्वेशन के लास्ट 4 डिजिट डालो तब ये दरवाज़ा खुलेगा और यहाँ पर कोई भी स्टाफ नहीं है भाई ऐसे भी कुछ होटल्स होते हैं तो खोलते हैं दिखाते हैं आपको कमरा। तो अंदर घुस गए हैं हम और मतलब ये भी नहीं कि रिसेप्शन पर कोई हो रिसेप्शन पर कोई नहीं अपने आप कोई एटीएम मशीन टाइप करके है जिसके अंदर रिसिप्ट अपने आप हमने निकाली अपने आप हमें पता लगा है कि रूम कौन सा मिला है। और अब रूम हमें लगा चलो यार सब चीज़ें बुरी जा रही है तो रूम बढ़िया हो तो भाई रूम टूर तुम्हारा भाई करवा चाहता है कुछ नेक्स्ट ही लेवल चीज़ में। और भाई ये हम आ चुके हैं हमारे रूम में बस ये है हमारा रूम
जो जो हमने पिक्चर्स में देखा था, मतलब ये खिड़की खिड़की का भी व्यू दिखा रहे थे यार, कुछ अलग ही चीज़ हो जाए भाई। खिड़की का व्यू है ये, और भाई बस यही है रूम, कुछ नेक्स्ट लेवल ही चीज़ हो चुकी है। और जो पिक्चर्स में हमने देखा था वो बिल्कुल भी नहीं है, कुछ अलग चीज़। बट अब देखते हैं भाई, मस्त कंटेंट मिल गया खैर मेरे व्लॉग के लिए। तो गाइस इट्स डे टू इन बार्सिलोना, और यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा तगड़ी बारिश हो रही है, और मतलब लाइक ऐसा सीन है कि मेरे खुद ही कपड़े भीगे जा रहे हैं। बट स्टिल अब हमें चलना है तो हम चल रहे हैं। बाकी हम यही ट्राई कर रहे हैं कि आज हम कोई गाड़ी रेंट कर लें, ताकि सॉर्टेडली हम थोड़ा बहुत घूम पाएँ। अभी पिक्चर्स खींचने का तो कोई स्कोप नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि कपड़े ऐसे ही गीले हो जाएंगे। बाकी देखते हैं क्या होता है। सो गाइस फाइनली वी हैव रेंटेड अ कार विच इज ऑडी, एंड ब्रो हम गाड़ी पे जा रहे हैं। सो लेट्स सी। अरे यार ओह यस गाइस, अगर आपने ज़िंदगी मिलेगी ना दोबारा देखी है तो ये वाली स्ट्रीट ज़रूर याद आई होगी, क्योंकि यहाँ पे वो आया था जब वो आर्ट गैलरी जा रहे होते हैं, और एग्जैक्टली ये लोकेशन है उसकी, जो कि काफ़ी रिक्रिएट हुआ। बट यार ये गली की वो देखो एस्थेटिक्स। सो गाइस आई एम एट बार्सिलोना बीच, यू कैन एक्चुअली सी द डब्ल्यू होटल विच इज़ राइट नेक्स्ट टू मी। और ब्रो बीच की खैर वाइब भी अलग है। सो गाइस इट्स न्यू डे इन बार्सिलोना, एंड यार बार्सिलोना थोड़ा कमर्शलाइज्ड है, मतलब हमें तो ऐसा लग रहा है कि हम शायद से इंडिया में ही हैं, इतने इंडियंस इतने इंडियंस। तो हमने सोचा एक बहुत ही बढ़िया सी जगह है कॉस्टा ब्रावा, वहाँ पे जाया जाए। और कैसे जाया जाए, किस पे जाया जाए, उसका तो खैर जवाब कल ही मिल ही चुका था। मिलवाते हैं हमारी गाड़ी से, जो कि लिशकती हुई ब्लू कलर की यहाँ पे खड़ी हुई है। टन टन, चलो यार चलते हैं। सो गाइज वी आर इन कॉस्टा ब्रावा, यू कैन सी बाय योरसेल्फ how beautiful it is, as in like, you know, we are getting this white bubble and the feel of Greece, jo Greece mein Santorini karke ek jagah hai, but like this guys, this is beautiful. So guys hum breakfast karne ja rahe the, socha breakfast karte hue vlog banaunga, but usse pehle ek aisi cheez ho gayi jiska vlog banana banta hai. Gaadi park kari thi, ek do din sahi gaadi park kar di, humne socha ek din thoda risk liya jaye, कुछ ऐसी जगह ही पार्क कर दी भाई। गाड़ी उठा दी गई और ये स्टिकर मिला है उस जगह जहाँ पे गाड़ी पार्क करी गई है। इस वेबसाइट पे देखा है तो हमें अब जितने हमने गाड़ी को रेंट करने के लिए पैसे दिए थे, उतने ही हमें गाड़ी सिर्फ वापस मिलने के पैसे देने पड़ेंगे दोबारा। बहुत बुरा लग रहा है, दिल को चोट लगी ऐसा लग रहा है, क्योंकि तो इतने सारे पैसे चले गए चले जाएंगे अभी। बट जाते हैं पुलिस स्टेशन। सो गाइस फाइनली गाड़ी मिल चुकी है, इवन हम वहीं पे ही हैं तो कार के सामने, एंड वी हैव टू पे 200 यूरो, मतलब 16,000 रुपये इस नन्ही परी के लिए। चलो आगे देखते हैं दिन कैसा निकलता है। पहली बार इंटरनेशनल पेट्रोल भरवाते हम, चलो आओ। ये हमने खोला, ये हमने खोला और हमने ये खोला, और अभी हम खुला नहीं खोलते, अभी हम ये लेते हैं। तो ये बोल रहे पूरा अंदर डाल दिया, इसके अंदर आओ आओ आओ, अब इधर आओ, यहाँ पे हमने 10 यूरो क्लिक करा। अरे कर तो सही साले हरामी। यार
थे कि हमसे कुछ नहीं हुआ, तो हमने अब यहाँ पे खुद ही डलवा रहे हैं और खुद ही वो कर रहे हैं। तो गाइस वी आर एट बार्सिलोना एयरपोर्ट गोइंग टू ज्यूरिख इन स्विट्जरलैंड। लेट्स सी हाउ स्विट्जरलैंड ट्रीट्स अस। भाइयों स्विट्जरलैंड पहुँच चुके हैं। एक्सपेक्ट कर रहे थे बहुत ज़्यादा ठंडी होगी, जैकेटें जुकेटें कैरी कर ली थी, हाई नेक सी आ रही है, टी शर्ट तक कैरी कर ली थी कि मस्ती लेयरिंग वगैरह करेंगे, बट घंटा कोई ठंड नहीं है, गर्मी पे गर्मी है। ये सब ताम झाम तो इसलिए पहन रखा है क्योंकि यार अब गर्मी के कपड़े थोड़े प्राग के लिए छोड़ रखे हैं, तो ऐसा ना लगे कि भाई रिपीट करें, और बढ़िया बढ़िया फोटोग्राफ्स तो खैर चाहिए ही चाहिए। थोड़े फक्ड अप दिन जा रहे हैं और कुछ नहीं, और कुछ नहीं, सही बता रहे हैं, बिल्कुल सही बता रहे हैं। ओहो लोग देख रहे हैं। Guys, it's another day in Zurich, in which we are in Interlaken. ये देखो भाइयों, यार as such इतनी कुछ खास जगह तो लग नहीं रही है, ये जनाब लेके आ रखे हैं हमें, मज़ा इतना नहीं आ रहा, बट ठीक है चलो, सुंदर वादियाँ हैं, सब कुछ सुंदर है, कुछ बढ़िया मिलता है तो ज़रूर दिखाते हैं। ट्रेन व्रेन का सफ़र करके आए हैं, बाकी खैर देखते हैं क्या आगे बात पहुँचती है। सो मेरे प्यारे भाई और उनकी बहनों, अब मैं आ चुका हूँ जर्मनी में। भाई बहुत ही नेक्स्ट लेवल आर्किटेक्चर, बहुत ही नेक्स्ट लेवल खाना, और सस्ता खाना, क्योंकि स्विट्ज़रलैंड में तो भाई काफ़ी एक्सपेंसिव था खाना। जर्मनी का खाना भी खाया है, एक जगह कौन सी थी यार उसका नाम क्या था, लॉस्ट्रिया करके, वहाँ पे इटालियन रेस्टोरेंट है, वहाँ पे पिज्ज़ा खाया, नेक्स्ट लेवल मज़ा आ गया। नहीं यहाँ पे देखो भाई ऐसे चलते हैं रिक्शा। अभी तुम्हारे भाई ने नहीं उसी रिक्शा को बोला है, क्योंकि पैदल चल के जाएंगे, कैलोरीज बर्न करेंगे। सो गाइस वी आर इन ओल्ड टाउन है ब्रो, ये प्राग का बहुत ही ज़्यादा अच्छी कैसल्स हैं यहाँ पे। भिखारी का अलग ही कॉन्सेप्ट है, बिल्कुल नीचे झुका के कर लेते हैं। बाकी यार व्यू देखो तुम, सब चीज़ें छोड़ो व्यू देखो। तो गाइस प्राग में हम आ चुके हैं और ये हमें काफी सुपीरियर रूम मिल चुका है, नेक्स्ट लेवल सुपीरियर रूम। और हम ये बताना चाहेंगे कि यार हमारे 11th फ्लोर पे रूम है, तो एक बार दिखाते हैं, हमारे करण भाई साहब भी हैं यहाँ पे। तो प्राग के 11वां फ्लोर पे भाई क्या सीन दिखता है, देखो बादल से ऐसा है कि दोस्ती सी हो गई है। वैसे 11 फ्लोर है, ऐसा भी नहीं है कि कोई 1100 फ्लोर है, बट खैर भाई बड़ा चढ़ा के बात करता है, नेक्स्ट लेवल। सो गाइज आई एम एट दैट पॉइंट जहाँ से पूरा प्राग दिखता है, इन प्राग कैसल। ये हटेगी पीछे वाली गोरी तभी मैं दिख पाएगा, तो ब्रो ये है पूरा लाइक दिस। सो गाइज वी आर इन वाइनरी यार्ड राइट नाउ, एज इन ये जो यार ग्रेप्स देख पा रहे हो तुम, ये बेसिकली हमें बढ़िया क्वालिटी की वाइन देती है ये चीज़। ये देखो सारे के सारे वाइनरी यार्ड के प्लांट्स, नेक्स्ट लेवल चीज़। सो गाइस हम आ चुके हैं एयरपोर्ट, और यूरोप का ट्रिप बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग था, इन जनाब का भी काफ़ी फैक्टर है अमेजिंग बनाने में। और खैर अब प्राग से सीधा हम जा रहे हैं पहले मॉस्को, क्योंकि वहाँ पे हमारा ले ओवर है, और फिर मॉस्को के बाद हम जा रहे हैं दिल्ली अपने घर। बढ़िया ट्रिप था यार, बाकी तुम्हें भी मज़ा आया नीचे कमेंट्स करके बताना। और बस भाई ऐसी फीलिंग आ रही है यार, जैसे वो नहीं होती थी जैसे समर वेकेशन वाली फीलिंग की छुट्टियाँ ख़त्म पढ़ाई चालू वाली, काम चालू भाई। चलो मिलते हैं तुम्हें कहीं और। Thank you.